हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2024। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंटली अभी हुई है, उसे हम कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, मोस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स हम ट्रिक से कवर करेंगे, और जो पुराना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो अभी तक कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आया, उसे भी हम रिवाइज करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहला है प्रीति सुडान, एंड प्रीति सुडान इज अपॉइंटेड एज यूपीएससी न्यू चेयरमैन। राइट, इससे पहले कौन थे यूपीएससी के चेयरमैन? मनोज सोनी थे। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, आपको पता है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी यूपीएससी को लेके। ओके, सो उसी की जगह किसको अपॉइंट किया गया? प्रीति सुडान को। तो इसलिए आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? आपको पता है यूपीएससी में प्री होता है, राइट, फिर मेन्स होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी में सबसे पहले आपको प्री पास करना पड़ेगा। प्री से क्या हो जाएगा? प्री प्रीति। ओके, प्री प्रीति। सो रिसेंटली जिसे भी अपॉइंट किया गया, उनका नेम क्या है? प्रीति सुडान। सो यूपीएससी न्यू चेयरमैन कौन है? प्रीति सुडान। राइट, नेक्स्ट इज संतोष कुमार गंगवार, एंड संतोष कुमार गंगवार अपॉइंटेड एज झारखंड न्यू गवर्नर। सो झारखंड के न्यू गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया? संतोष कुमार गंगवार को। नेक्स्ट इज लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, एंड शी इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज की बात आ रही है। अब जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो जैसे हमें पता लगता है कि अरे यार डॉक्टर के पास जाना है, मेडिकल सर्विस लेना पड़ेगा, तो क्या होता है? हम सैड हो जाते हैं, है ना? मेडिकल सर्विस का नाम सुनते ही सैड हो जाते हैं। सेड से साधना आपको याद रखना है। ओके, सो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज। नेक्स्ट इज सी एस शेट्टी, या इन्हें कह सकते हैं पूरा नेम क्या है इनका? चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी, और ही इज अपॉइंटेड एज एसबीआई चेयरमैन। सो रिसेंटली एसबीआई के चेयरमैन हो चाहे एमडीओ, ये भी बार बार चेंज होते रहते हैं, तो अभी प्रेजेंट में कौन है? एसबीआई के चेयरमैन सी एस शेट्टी। ओके, सो अब देखो, अब एसबीआई की बात हो रही है, तो चेयरमैन कैसे, जो भी चेयरमैन है मस्त आराम से बैठे अपने ऑफिस में, ठीक है, मस्त आराम से अपने ऑफिस में सिट बैठे हैं, सिट से ही आपको ध्यान रखना है, शेट्टी, सिट शेट्टी। ओके, सो एसबीआई के चेयरमैन कौन है? चेयर पे आराम से बैठे हैं, सिट, तो सी एस शेट्टी। राइट, नेक्स्ट इज टीवी सोमनाथन, एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। तो आपको पता है मोदी 3.0 पूरा उनका पोर्टफोलियो बनाए, राइट, पूरे उनके मिनिस्टर्स बने हैं। तो अगर हम बात करें तो न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी किसको अपॉइंट किया गया? टीवी सोमनाथन को। ओके, टीवी सोमनाथन। सो आपको याद रखना है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है उनको कब बुलाया जाएगा? सेक्रेटरी है वो भी कैबिनेट के स्पेशल सेक्रेटरी, तो सोम को, ठीक है, सोम को सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा। इसको आपको बार बार बोला ना तभी याद रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे हैं जो हमने पहले भी पढ़े, तो उन्हें भी अभी रिवाइज करना है हमें, तो सोमनाथन, तो आपको ध्यान रखना है टीवी सोमनाथन अपॉइंटेड एज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट इज राणा आशुतोष कुमार सिंह, एंड ही इज अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ एसबीआई, राइट, मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी हमने पढ़ा एसबीआई के जो चेयरमैन है वो चेयर पे बैठ गए, सिट से शेट्टी, तो सी एस शेट्टी हो गए, एंड एमडी एसबीआई के कौन है? राणा आशुतोष कुमार सिंह। ओके, नेक्स्ट इज पेंदो गार्दन शेनावात्रा, एंड शी इज अपॉइंटेड एज थाईलैंड्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ये थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई है। क्या नेम है इनका? पेतोनो गार्दन शेनावात्रा। कैसे याद रखने की ये यंगेस्ट है, ठीक है, तो यंग कैसे है ये शाइन करती हैं, इस वजह से ये यंग दिखती हैं। कैसे याद रखने की ये शाइन करती हैं? अब आप देखो थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो कैसे हमें याद रखने की थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत शाइन करती हैं, शाइन से शेनावात्रा, आपको इनका नेम याद रखना है, शाइन शेनावात्रा, ठीक है। सो आप देखो कुछ ना कुछ लिंक बना के ही हमें याद करना पड़ता है, वरना इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उन्हें याद करना मुश्किल है एग्जैक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप लिंक बना के ध्यान रख सकते हैं रिलेट करके। तो थाईलैंड का जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है जो शाइन बहुत करती है? शाइन शेनावात्रा, राइट। नेक्स्ट इज राहुल नवीन, एंड राहुल नवीन इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इट मींस ईडी। अब आपको पता है ना कि ईडी अभी बीच बीच में या अभी भी कई सारे न्यू एक्टर एक्ट्रेस को बुलाती रहती है, उनके पास समन भेजती रहती है, ठीक है। तो ईडी क्या करती है? न्यू एक्टर और एक्ट्रेस को बुलाती है। ओके, तो न्यू किसको? एक्टर्स को, तो न्यू से नवीन आपको ध्यान रखना है, न्यू नवीन। तो ईडी क्या करती है? न्यू एक्टर एक्ट्रेस को समन भेजती है, आओ, है ना, कुछ भी होता है, कोई केस होता है, कोई ड्रग्स रिलेटेड कुछ भी, तो बुलाती है, आओ आओ आओ, है ना। तो नवीन से आपको ऐसे ध्यान रखना है कि नवीन एक्टर एक्ट्रेस को बुलाती है, नवीन, राहुल नवीन। नेक्स्ट इज यूनियन होम सेक्रेटरी, किसको अपॉइंट किया गया? गोविंद मोहन को, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, यूनियन होम सेक्रेटरी। अभी हमने क्या देखा? कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उनको सोम को बुलाया जाता है, टीवी सोमनाथन। अब यूनियन होम सेक्रेटरी, ठीक है, तो याद रखना है आपको यूनियन होम सेक्रेटरी कौन है? गोविंद मोहन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, गोविंद मोहन। नेक्स्ट इज सिंधु गंगाधरन, एंड ही इज अपॉइंटेड एज नेस्कॉम न्यू चेयरपर्सन। सो नेस्कॉम के न्यू चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है? सिंधु गंगाधरन। तो आप देखो नेस्कॉम से आपको ध्यान रखना है, नेस्कॉम नाश, सब कुछ नाश, खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, तो आप कौन आएगा जादू दिखाने? गंगाधर ही शक्तिमान है, ठीक है, सब कुछ नाश हो गया तो कौन आएगा? गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधर शक्तिमान, तो गंगाधरन, तो जो भी है ना उनके सन्ने में क्या है? गंगाधरन, राइट, तो सिंधु गंगाधरन। तो नेस्कॉम के न्यू चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे? सिंधु गंगाधरन। तो हमने इसे कैसे याद रखा? नेस्कॉम से क्या समझ में? नाश हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो कौन आएगा बचाने? गंगाधर ही शक्तिमान है, गंगाधरन, सो सिंधु गंगाधरन।
नेक्स्ट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, इट मींस नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। किसको अपॉइंट किया गया? पी बी श्रीनिवासन, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। कैसे हम इसे याद रखेंगे? सो आप देखो, अगर सिक्योरिटी करनी है ना, सिक्योरिटी करनी है तो कैसे सिक्योरिटी होती है? वहीं पर रह के होती है, उसी जगह पे निवास करके, है ना। अब कहीं पे आपको सिक्योरिटी देनी है, आप अपने घर पे बैठे हो तो क्या सिक्योरिटी हो पाएगी? नहीं। जहां भी सिक्योरिटी होती है वहीं पे निवास करना पड़ता है। सिक्योरिटी देने के लिए निवास करना पड़ता है, ठीक है, निवास करना पड़ता है। पूरा लिख देती हूं मैं जिससे आपको याद रहे, निवास करना पड़ता है। तो निवास से क्या हो जाएगा? श्री निवासन। और ऐसे ही हमने इसको पहले भी याद किया था करंट अफेयर वाले वीडियो में, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज सतीश कुमार एंड ही इज अपॉइंटेड एज रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड सीईओ। सो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ फिर से चेंज हो गए, ठीक है। अभी इनसे पहले कौन थी? जया वर्मा सिन्हा थी। अब कौन अपॉइंट हो गए? सतीश कुमार अपॉइंट हो गए। इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के लिए स्पेशली, है ना। इजी क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जा सकता है जो आपका जीके पोर्शन आएगा। सो कैसे हम इसे याद रखेंगे? आपको पता है ना, जैसे ही रेलवे की बात आती है हमें रेलवे से क्या याद आता है? ट्रेन याद आता है ना, रेलवे में ट्रेन। अब रेलवे में जो ट्रेन है ना, तो मेनली लोग कैसे ट्रेवल करते हैं? साथ में ट्रेवल करते हैं, है ना, साथ में इजिली ट्रेवल कर सकते हैं रेलवे से। तो ट्रेन की याद आती है और ट्रेन में लोग साथ में ट्रेवल कर सकते हैं। साथ से सतीश आपको याद रखना है, साथ सतीश। सो सतीश कुमार अपॉइंटेड एज रेलवे बोर्ड न्यू चेयरमैन एंड सीईओ। ओके, नेक्स्ट इज अपर्णा यादव। अपर्णा यादव को अपॉइंट किया गया है यूपी वुमेन्स कमीशन के वाइस चेयरपर्सन। यूपी वुमेन्स का एक कमीशन अपॉइंट किया गया है, उसकी वाइस चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया? अपर्णा यादव। सो यूपी के एग्जाम्स अभी आपके आने वाले थे, यूपी पीसेस, एंड आई थिंक वो कैंसिल हो चुका है, आगे डेट बढ़ गई है उसकी। तो आपको ध्यान रखना है अपने यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए कि अपर्णा यादव को अपॉइंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट इज आलिया भट्ट एंड शी इज अपॉइंटेड एज न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लॉरियल पेरिस। अब ये काफी न्यूज में थी इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आलिया भट्ट अपॉइंटेड एज न्यू ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर लॉरियल पेरिस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इज रॉबर्ट जे रवि एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू सीएमडी बीएसएनएल। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, या फिर भाई साहब नहीं लगेगा तो भाई भाई साहब नहीं लगेगा, रो मत, है ना। बीएसएनएल ऐसा ही है, गवर्नमेंट सिग्नल ही नहीं इसको सही से देती, तो बस आपको ध्यान रखना है बीएसएनएल, रो मत। तो रो रॉबर्ट, रो रॉबर्ट, ठीक है, भाई साहब नहीं लगेगा। पहले बचपन में ऐसे इसका फुल फॉर्म बना लेते थे, भाई साहब नहीं लगेगा बीएसएनएल, रो मत, नहीं लगेगा, रॉबर्ट जे रवि। नेक्स्ट इज केपी शर्मा ओली। तो ये केपी शर्मा ओली आपको अगर ध्यान होगा तो ये पहले भी बन चुके हैं नेपाल की स्फीयर, इनको अपॉइंट कर दिया गया। क्या नेम इनका? केपी शर्मा ओली, ओली बन गए, ठीक है, नेपाल ओली। नेक्स्ट इज कैप्टन सुप्रेथा सीटी जो है, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन गई है फ्रॉम द क्रॉप ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर, जिनको सियाचिन ग्लेशियर पे लगाया गया है, ठीक है, तैनात किया गया है। क्या नेम है इनका? कैप्टन सुप्रेथा सीटी। आपको पता है सियाचिन एक हाईएस्ट बैटल फील्ड है, राइट। तो यहां पर सुप्रेथा जो सीटी है कैप्टन, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट वुमेन ऑफिसर फ्रॉम द क्रॉप ऑफ आर्मी एयर डिफेंस टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के पास सुप्रेथा, ठीक है, सुपीरियर है सुप्रेथा सीटी। नेक्स्ट इज मनोला मार्कस एंड ही इज अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मैंस फुटबॉल टीम। सो इंडियन मैन फुटबॉल टीम का हेड कोच किसे अपॉइंट किया गया है? मनोला मार्कस। ओके, मनोला मार्कस। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक है, वरना इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लोड नहीं लेना आपको अपने माइंड पे। मनोला मार्कस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की, हेड कोच अपॉइंट किया गया है इंडियन मेंस फुटबॉल टीम का, किसको? मनोला मार्कस। सो द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज तुहीन कांता पांडे एंड ही इज अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। अभी हमने पढ़ा होम सेक्रेटरी, फिर हमने पढ़ा कैबिनेट सेक्रेटरी, अब हमने देखा न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, किसको अपॉइंट किया गया? तुहीन कांता पांडे। इन्हें कैसे याद रखेंगे? अभी को फाइनेंस की बात हो रही है ना, तो फाइनेंस से हर कोई बचना चाहता है। फाइनेंस जिसको दिया गया तो वो क्या कह रहे हैं मन में? अरे मुझे क्या दे दिया, वो क्या बोला? अरे तू ही काट। क्या कह रहा है? तू ही काट, तू ही काट फाइनेंस, मेरे को नहीं काटना। अब बोला ही नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी तो आपको ही बनाएंगे, तो मन में क्या सोच रहा है? तू ही काट, तू ही काट फाइनेंस। तो तू ही काट से बस ऐसे ध्यान रखना है, तू ही काट, तू ही काट, तू ही कांता पांडे, कि भाई काटना पड़ेगा आप तो, तू ही काट। सो न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है तू ही कांता पांडे। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको याद रखना है तो ऐसे ही लिंक बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज अमृत मोहन एंड अमृत मोहन इज अपॉइंटेड एज एसएसबी चीफ। एसएसबी चीफ मींस सशस्त्र सीमा बल। किसको अपॉइंट किया गया? अमृत मोहन को। ओके, पहले दूसरे थे, अब चेंज हो चुके हैं, अमृत मोहन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज अतिशी मारलेना एंड शी इज अपॉइंटेड एज न्यू सीएम ऑफ दिल्ली। अब न्यू सीएम अपॉइंट हो गई है दिल्ली की। क्या नेम है इनका? अतिशी मारलेना। इन्हें तो कुछ वैसे याद करना ही नहीं है, न्यूज में आपने देख ही लिया होगा। नेक्स्ट इज अनुराग गर्ग अपॉइंटेड एज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब आप देखो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो दूर रखना है ड्रग वगैरह से, नारकोटिक्स से। तो कैसे रखेंगे? कि आप उन सब मेनली ऐसा कहा जाता है ना, जो लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, वो ऐसा करते हैं, तो वो कैसे सही होंगे? प्रेम देंगे, ठीक है, उनको प्रेम दो, उनको अनुराग दो, उनसे अच्छे से बात करो। प्रेम को अनुराग कहते हैं,
तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कैसे कंट्रोल करेगी? अनुराग से, अनुराग से, ठीक है, अनुराग प्रेम से। तो ध्यान रखना है आपको, अनुराग गर्ग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। नेक्स्ट इज निखत जरीन एंड शी इज अपॉइंटेड एज तेलंगाना पुलिस एज डीएसपी। तेलंगाना की पुलिस अपॉइंट किया गया है किसको? डीएसपी निखत जरीन को। नलिन प्रभात डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर। अब डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू एंड कश्मीर का नलिन प्रभात को अपॉइंट किया गया। ओके, कैसे याद रखेंगे? सो अब देखिए, जम्मू एंड कश्मीर से हम उठाने, जाम, ट्रैफिक लग गया, जाम लग गया, ट्रैफिक जाम, ठीक है, जाम लग गया। तो कैसे ये ट्रैफिक से आप बच के अपने काम पे जाएंगे? जब आप प्रभात में उठेंगे, ठीक है। अब पुलिस को तो वैसे ही कभी भी बुलाया जा सकता है काम करने के लिए, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में। सो प्रभात में आपको उठना पड़ेगा, जम्मू एंड कश्मीर के जो डीजीपी हैं, तो नलिन प्रभात, ऐसे आप इनको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट इज शरद कुमार बीसीसीआई अपॉइंटेड न्यू एंटी करप्शन यूनिट चीफ है। तो बीसीसीआई ने एक एंटी करप्शन यूनिट चीफ बनाया है, किस लिए? कि करप्शन ना हो। किसको अपॉइंट किया गया? शरद कुमार को, ठीक है, शरद कुमार को। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई करप्शन ना करे, तो कोई करप्शन ना करे यानी कि कोई शरारत ना करे, ठीक है। करप्शन में भी एक टाइप से क्या है, शरारत ही लोग करते हैं, शरारत ना करे, क्योंकि नेम याद करना है, शरारत, शरद, सो शरद कुमार, ठीक है। करप्शन में कोई करप्शन ना करे, कोई शरारत ना करे, राइट। तो ऐसे आप इनका नेम भी ध्यान रख सकते हैं। सो नेक्स्ट, मिलिट्री रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इसे फटाफट से देखते हैं। सो आप देखिए, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, कुछ टाइम पहले ये भी अपॉइंट हुए हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी को आर्मी चीफ बनाया गया है। कैसे याद रखा था? कि कहीं भी अगर उपद्रव वगैरह हो जाता है ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो सबसे पहले आर्मी पहुंच जाती है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो आर्मी चीफ कौन? उपद्रव उपेंद्र द्विवेदी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी प्रेजेंट में नेवी के चीफ हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी। एंड एयरफोर्स के चीफ अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ओके, आई थिंक पिछले महीने में, अमरप्रीत सिंह। कौन हो गए हैं? एएम, ठीक है, एएम एयर, एएम एयर, अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स चीफ, ओके। तो फिर से रिपीट करना है आपको, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी चीफ, अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स चीफ, राइट। एंड रिसेंटली न्यू डायरेक्टर जनरल टीजी अपॉइंट हुए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है, फिर से चेंज हो गए हैं। अभी हमने कुछ मंथ पहले ही देखा था कि फिर से न्यू बने थे, फिर से चेंज हो गए हैं। क्या नेम है इनका? डीजी परमेश शिवमणि, ओके, डीजी परमेश शिवमणि। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि तट रक्षक, तट की रक्षा करनी है, कैसे होगी तट की रक्षा? परम शिव करेंगे। कैसे याद रखना है? तट की रक्षा कैसे होगी? परम शिव करेंगे, ठीक है, परम शिव करेंगे तट की रक्षा, परम शिव करेंगे तट की रक्षा। सो द न्यू डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड किसको अपॉइंट किया गया? डीजी परमेश शिवमणि, राइट। जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी चीफ, अमरप्रीत सिंह रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया एयरफोर्स का चीफ, ओके। एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के न्यू चीफ कौन है? तो कैसे आपको याद रहेगा? तट की रक्षा कौन करेगा? परम शिव करेंगे, परम शिव यानी कि परमेश शिवमणि, राइट, ओके। सो अब हम देखने वाले हैं जो भी हमने पहले अपॉइंटमेंट्स पढ़ी थी उन्हें फटाफट से रिवाइज करते हैं, और हम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी रिवाइज करेंगे। फर्स्ट अपॉइंटमेंट इज चेयरमैन ऑफ इफको, इसको अपॉइंट किया गया दिलीप सांघनी को। कैसे याद रखेंगे? चेयरमैन ऑफ इफको दिलीप सांघनी। अब इफको की सबसे पहले आपको याद रखना है इफको की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अब यहां पर बात हो रही है ना इफको की, तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड है इफको हमारा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स में क्यों डालते हैं? कि जो हमारी फसल है, जो क्रॉप्स है वो घनी हो। क्यों डालते हैं? क्रॉप्स घनी हो, घनी से आपको याद रखना है, घनी यानी कि सांघनी, घनी सांघनी। सो जिसको भी अपॉइंट किया गया उनके सरने में क्या है? सांघनी। तो कौन हो जाएंगे? दिलीप सांघनी, राइट। फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ ऑफ मेघालय, सो मेघालय की फर्स्ट वुमेन पुलिस चीफ अपॉइंट किया गया, इट मींस डीजीपी। तो इनका नेम आपको याद रखना है ईदा शीशा नोगरेंग। क्या नेम है इनका? ईदा शीशा नोगरेंग, ठीक है, रिपीट करना है ईदा शीशा नोगरेंग। नेक्स्ट इज चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सो रिसेंटली चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब चेंज हो चुके हैं, इसको अपॉइंट किया गया सो राकेश रंजन को। पहले कौन थे? पहले थे एस किशोर। कैसे याद रखेंगे? अब आपको पता है आदित्य रंजन सर क्या है? एक्साइज इंस्पेक्टर है, ओके। तो बस आपको याद रखना है उन्हें ही बना दिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन, सो आदित्य रंजन। तो जिसको अपॉइंट किया गया उनके सरने में क्या है? राकेश रंजन। तो कैसे याद रखना है? आदित्य रंजन सर से, ठीक है, आदित्य रंजन सर से। तो बस ऐसे याद रखिए, राकेश रंजन को अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट। नेक्स्ट इज ब्रांड एम्बेसडर टैबको कंट्रोल, सो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है टैबको कंट्रोल का, किसको? पीवी सिंधु। तो जो टैबको नहीं खाएगा उसे क्या हो जाएगा? उसे टीवी हो जाएगा, ऐसे याद रखना है। जो टैबको नहीं खाएगा उसे टीवी हो जाएगा, टीवी से पीवी याद रखना है, सो कौन हो जाएंगी? पीवी सिंधु। नेक्स्ट इज दीनदयाल पोर्ट जो गुजरात में है, इसके न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, किसको किया? सुशील कुमार सिंह को किया, ओके। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ना दीन और दयाल, कैसे याद रखना है? पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे है? गुजरात में। इसके न्यू चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। अब दीन दुखारी की हेल्प कौन करेगा, राइट?
जिसमें थोड़े सुशील संस्कार हो। तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है, दीन दयालों की हेल्प कौन करेगा, जिसका दिल कह रहा नहीं हेल्प कर देनी चाहिए, है ना, तो सुशील संस्कार हो। तो बस ऐसे याद रखना है, सुशील कुमार सिंह लोकसभा के स्पीकर। अगेन कौन अपॉइंट हुआ, ओम बिरला अपॉइंट हुए, ओके। और ऐसा पहली बार हुआ है 20 सालों में, राइट, कि फिर से ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन गया। तो याद रखना है आपको, लोकसभा के स्पीकर कौन अपॉइंट हुआ है, ये तो आपको पता ही है, वैसे भी ओम बिरला पहले भी यही थे और इन्होंने सीट जीती है अपनी कोटा पार्लियामेंट से, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ग्रामीण डेवलपमेंट में, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में भी आता है, इससे अपॉइंटमेंट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसको बनाया गया, राजप्रीत सिंह को। अब किसको डायरेक्टर अपॉइंट किया जाएगा, वो भी रूरल। अब हर कोई तो रूरल जाना चाहता नहीं है, है ना, अब रूरल गांव कौन जाना चाहेगा, तो बस ऐसे याद रखना है, रूरल जिसको प्रिय होगा उसे ही अपॉइंट किया जाएगा। प्री से ही आपको याद रखना है, प्री यानी कि राजप्रिय सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट इज यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन इन लोकसभा। तो यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन कौन है, जो लोकसभा में जीती है, क्या नाम है इनका, प्रियंका झारकियोली, कहां से, चिकोटी, ओके। तो इनका नेम आपको याद रखना है, प्रियंका झारकियोली। अब यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन की बात हो रही है, तो यंगेस्ट से ही आपको याद रखना है, देखिए प्रियंका, इनके नेम में आ रहा है यंग, प्रियंक यंग। सो यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन कौन, प्रियंका झारकियोली फ्रॉम चिकोटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखनी है जो रिसेंटली अभी हुई है। अब हम देखने वाले हैं कि जो भी आपके न्यू चीफ मिनिस्टर्स जो अपॉइंट किए गए हैं और कुछ जो पुराने भी हैं उन्हें हम देखेंगे कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप कंफ्यूज ना हो और आप इजीली टेक कर पाए आंसर को। सबसे पहले आपका प्रेम सिंह तमांग। अब प्रेम सिंह तमांग जो चीफ मिनिस्टर है कहाँ के हैं, सिक्किम के, राइट। सो हेयर इट इज प्रेम सिंह तमांग। कैसे याद रखोगे, सिक्किम से आपको उठाना है, सिक, अगर कोई सिक होता है ना तो मेडिसिन तो उससे चाहिए, केयर भी चाहिए, थोड़ा सा उसको प्रेम भी चाहिए, ठीक है। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, प्रेम भी चाहिए, प्रेम से क्या हो जाएगा, प्रेम सिंह तमांग हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज एन चंद्रबाबू नायडू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के ये सीएम है। अब चंद्रबाबू नायडू क्योंकि ये बहुत न्यूज में थे इसलिए इनका नेम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आंध्र प्रदेश से ये हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम है। कैसे याद रखेंगे, अंधेरा लिखा है ना, अंधेरा, राइट। तो अंधेरे में ना आपको क्या देखने को मिलता है, अंधेरे में ही तो आपको चांद देखने को मिलता है, अंधेरे में चांद, तो बस चांद से क्या हो जाएगा, चांद, चंद्रबाबू नायडू, ऐसे आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट इज नीतीश कुमार, बिहार के, इनका तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं, वैसे हाईलाइटेड रहते हैं। विष्णु देव साई, ये छत्तीसगढ़ के सीएम है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कैसे, घर लिखा है, ठीक है, तो घर हमें किसकी कृपा से मिलेगा भाई, विष्णु जी की कृपा से घर मिला, ठीक है, ऐसी लिंक बना के याद रखना है, विष्णु जी की कृपा से घर मिला, विष्णु से क्या हो जाएंगे, विष्णु देव साई। नेक्स्ट इज नायाब सिंह सैनी और ये हरियाणा के सीएम है। अब जहां पर भी ना आपको ग्रीनरी देखने को मिलता है तो देख के बड़ा अच्छा लगता है ना, वाह क्या नायाब चीज है, ओके, बिल्डिंग्स बनी है, खूब अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर थोड़ा वहां पर आसपास ग्रीनरी रहती है तो देख के चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हरियाणा से आपको याद रखना है कि जो ग्रीनरी होती है, ठीक है, या आप कह सकते हैं हरा एनवायरमेंट जो होता है उसे देख के कैसा लगता है कि वाह क्या नायाब चीज है, तो बस ऐसे याद रखना है, नायाब, नायाब सिंह सैनी, राइट। सुखविंदर सिंह सुखू और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी से है, राइट, हिमाचल प्रदेश में ये सीएम अपॉइंट हुए थे कुछ मंथ पहले। अब यहाँ पर ना हिमाचल, अब लोग हिमालय पे जाते हैं, साधु संत कहाँ जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं, ठीक है, साधु संत कहाँ जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं साधना करने, तो बस आपको याद रखना है साधु संत हिमालय पे जाते हैं साधना करने, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं असली सुख तो हिमालय पे है, शांति में है, सुख, सुखविंदर, ठीक है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट सिद्धारमैया, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी से है, कर्नाटका के सीएम है, कैसे याद रखेंगे। अब कोई आपसे कोई बात कर रहा है और वो बार 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 घुमा रहा है, कह रहा है ये वो, तो आप कह रहे हो अरे यार बता ना, सीधे सीधे बता, नाटक मत कर, सीधे सीधे बता, राइट, ऐसे कहते हो ना, सीधे सीधे बता, नाटक मत कर, सीधे सीधे नाटक मत कर, तो सीधे से क्या हो जाएगा, सिद्धारमैया हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज मोहन यादव और ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मोहन यादव। अब माधव ना किसको कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं, और मोहन भी किसको कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं, सो ये सारे किसके नेम है, कृष्ण जी के नेम है, तो बस आपको याद रखना है माधव मोहन किसके नेम है, कृष्ण जी के, ओके। तो ऐसे ही लिंक बना के आपको याद रखना है माधव मोहन, सो मोहन यादव जो है वो न्यू चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, मध्य प्रदेश के। कॉनराड के संगमा, ये मेघालय के सीएम है। अब मेघालय से आपको उठाना है घायल, अब किसी को मार मार के घायल कर दिया, कैसे, रॉड से मार के, रॉड से मार के घायल कर दिया, रॉड कॉनराड, सो कॉनराड के संगमा। एन बीरेन सिंह, ये मणिपुर से, मणिपुर के ये सीएम है, एन बीरेन सिंह। अब मणि लिखा है ना, मणि यानी कि नागमणि, मणि, मणि तो आपको ऐसे तो नहीं सड़क पे मिल जाएगी, मणि तो आपको कहाँ मिलेगी, बिराने में मिलेगी, तो बस ऐसे याद रखना है मणि आपको बिराने में मिलेगी, बिराने से क्या हो जाएंगे, बीरेन हो जाएंगे। सो एन बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर है कहाँ के, मणिपुर के। नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर लालडू होमा, ओके, और ये जो लालडू होमा है ये सीएम है कहाँ के, मिजोरम के। कैसे इन्हें याद रखेंगे, सो मिजोरम, रम से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है राम, मिजोरम राम, राम जी के लिए क्या बन रहे हैं, लड्डू, राम जी के लिए लड्डू, ठीक है, लड्डू, सो लड्डू लालडू होमा। मोहन चरण मांझी, ये उड़ीसा के सीएम है, न्यू बने उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से उड़ी, और क्या उड़ता है इनके नेम में, आप देखो और क्या उड़ रहा है, मोहन चरण मांझी, मांझी यानी कि मांझा, मांझे का
पतंग का मांझा भी उड़ता है ना, तो उड़ता है क्या, मांझा भी। तो मांझा से मांझी याद रखना है। सुमोहन चरण मांझी जो है वो प्रेजेंट में सीएम अपॉइंट हुए हैं उड़ीसा के। भजन लाल शर्मा ये राजस्थान के सीएम है, भजन लाल शर्मा। अब राजा का जो स्थान है, राजा क्या चाहते हैं, अब उनको कई सारे युद्ध लड़ने जाना होता है, तो राजा क्या चाहते हैं कि भाई मेरे जो स्थान है ना, मेरे जो स्थान है यहाँ पर हमेशा भजन होना चाहिए, यहाँ पर हमेशा भजन होता रहे, तो राजा के स्थान पे भजन होना चाहिए। तो भजन से याद रखना है भजन लाल शर्मा। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है। अब तेल उठाना है, अब आपके सर में दर्द हो रहा है और किसी ने आपसे कह दिया लाया तेल लगा दूं, तो आप बिल्कुल रेडी, हाँ हाँ लगा दे, या कोई भी कभी भी तेल लगाने की बात होती है तो हर कोई रेडी हो जाता है ना, तो रेडी तेल लगाने के लिए, रेडी ऑलवेज रेडी, तो रेडी से हो जाएगा रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट इज नागालैंड, एंड नागालैंड के न्यू सीएम है नेफ्यू रियो। अब कोई आपसे कह रहे हैं ना देख नागों के लैंड पे जा रहे हैं, नाग से पंगा मत लेना है ना, नाग से पंगा ना लियो, पंगा तो बस ऐसे याद रखना है, नाग से पंगा ना लियो, ना लियो से क्या हो जाएगा आपका, ना लियो रियो, सो नेफ्यू रियो, ठीक है नेफ्यू रियो। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। अभी हमने चीफ मिनिस्टर देखे, अब आगे के नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। सो न्यू आर्मी चीफ किसको अपॉइंट किया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। आर्मी चीफ की बात हो रही है, ओके कैसे इसको याद रखेंगे। सो देखिए आपको पता है कि जब भी कहीं पर उपद्रव हो जाता है, कहते हैं ना उपद्रव हो गया, लोग दंगे कर रहे हैं, तो तुरंत आर्मी की सेना आ जाती है, तुरंत आर्मी आ जाती है, तो उपद्रव में आर्मी तुरंत आ जाती है, तो आर्मी चीफ किसको अपॉइंट किया गया, उपेंद्र द्विवेदी को, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज रीअपॉइंटेड हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कौन, अजीत डोभाल, पहले भी यही थे। सो आप देखो नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया को सिक्योरिटी देनी है, तो ये क्या एडवाइस कर रहे हैं, कैसा करो दो वॉल बना लो, दो वॉल, तो दो वॉल, सो अजीत डोभाल। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी, सो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी किसको अपॉइंट किया गया, पीके मिश्रा को, अगेन इन्हें अपॉइंट किया गया। सो आप देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं पीएम पीके, पीएम पीके, ओके। नेक्स्ट इज डेप्टी सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश किसको अपॉइंट किया गया, पवन कल्याण को, डेप्टी सीएम आंध्र प्रदेश पवन कल्याण, इसे आप कैसे याद रखेंगे, अभी हमने पढ़ा था कौन थे सीएम कौन है, सो चंद्रबाबू नायडू, डेप्टी सीएम पवन कल्याण। सो यहाँ पे ना अब आप देखो आपको इसको दिल पे नहीं लेना है, बस हमें इसको याद करना है, कैसे याद रखेंगे, आंध्र से आप थोड़ा इसको याद रखिए ब्लाइंड, ठीक है। अब कोई भी इंसान अगर ब्लाइंड है ना, तो अगर उसके पास से हवा भी निकलेगी ना तो भी उसको महसूस हो जाएगी, पवन भी निकलेगी तो उसको महसूस हो जाएगी, तो थोड़ा सा ऐसे याद रखना है कि जो डेप्टी सीएम है उनका नेम क्या है, पवन कल्याण, और चंद्रबाबू नायडू तो अभी आपने देख ही लिया। नेक्स्ट इज एमसीडी कमिश्नर दिल्ली, सो एमसीडी कमिश्नर अपॉइंट किया गया है दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, सो किसको अपॉइंट किया गया, अश्विनी कुमार को, तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज न्यू सेक्रेटरी ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट मींस ट्राई, पहले कोई और थे, अब कौन है, अतुल कुमार चौधरी, ऐसे याद रखना है कि यानी कि हमारा जो टेलकॉम, जो पूरा एक सिस्टम है टेलकॉम का, वो इतना अच्छा होना चाहिए कि अटल टनल तक भी पहुंच जाए, अटल टनल में भी अगर मैं बात करूं तो वहां से भी प्रॉपर सिग्नल आए, तो अटल से अतुल याद रखना है, अटल अतुल, ठीक है ऐसे याद रखना है। अटल टनल कहां पर है, अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना है कितनी लेंथ है उसकी। नेक्स्ट इज एडिशनल चार्ज ऑफ एनटीए डीजी, तो एनटीए मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और आपको पता है अभी नीट का क्या हुआ था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किसको रिमूव किया, सुबोध कुमार सिंह को, किसको एडिशनल चार्ज दिया गया, प्रदीप सिंह खरोला, सो उसको अपॉइंट किया जाएगा जिस पे आप भरोसा हो, ठीक है, जो भरोसे पे खरा उतर सके, तो खरा भरोसे पे खरा, तो खरा से आपको याद रखना है कौन हो जाएंगे, खरोला। सो एडिशनल चार्ज दिया गया है एनटीए का, डीजी का, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, प्रदीप सिंह खरोला। अब ये देखेंगे सब कुछ, किसको रिमूव कर दिया गया, सुबोध कुमार सिंह को। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आप देखो अभी हमने आर्मी चीफ पढ़ा, अब वाइस चीफ किसको अपॉइंट किया गया, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। अब मेनली ऐसा होता है ना कि जो वाइस होते हैं वही आगे चल के आर्मी के मेन चीफ बन जाते हैं, तो वाइस चीफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, ओके। नेक्स्ट इज लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, सो राज्यसभा में लीडर बनाया गया है किसको, जेपी नड्डा को, जेपी नड्डा को, तो बस कैसे याद रखेंगे, अब जैसे ही राज्यसभा का लीडर अपॉइंट हुआ तो बस ढोल नगाड़े बजना चालू हो गए, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि लीडर जो बना राज्यसभा का उसको क्या मिल गया, अपना एक अड्डा मिल गया, ठीक है, जो लीडर बना उसको अपना एक अड्डा मिल गया, अड्डा से जेपी नड्डा आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट इज इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी, इसके वाइस चांसलर अपॉइंट किए गए हैं प्रोफेसर साइमन मैक, ठीक है, प्रोफेसर साइमन मैक। नेक्स्ट इज इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, सो इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी इसको अपॉइंट किया गया विक्रम मिश्री को, अब इससे आप कैसे याद रखोगे, अब आप देखो अगर हम सोचें कि यार चलो फॉरेन चलेंगे, बट अगर आप रियल में देखो तो इंडिया में तो घूमना बहुत आसान है, फॉरेन में तो घूमना बहुत मुश्किल है ना, तो फॉरेन अगर जाओगे ना तो भाई ज्यादा दिन आपको आराम नहीं मिलेगा, फॉरेन जाने पे ज्यादा दिन आराम नहीं मिलेगा, आराम से विक्रम, आराम विक्रम, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ गई अरे फॉरेन मिस्त्री बुलाओ, कुछ टूट गया फॉरेन मिस्त्री बुलाओ, तो फॉरेन मिस्त्री यानी कि विक्रम मिस्त्री, फॉरेन मिस्त्री विक्रम मिस्त्री, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सीबीडीटी के न्यू चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके भी न्यू चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं, कौन है, रवि अग्रवाल, कैसे याद रखेंगे। अब
कोई भी डिपार्टमेंट हो, इतना ज्यादा उस पर वर्क रहता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम सीबीडीटी पढ़ रहे हैं, तो अब जो भी इसके चेयरमैन है ना, तो पूरे दिन काम करे, पूरे हफ्ते वर्क करे। एक दिन मिला उनको संडे, तो उन्होंने बोला भाई रविवार को ना, ये बोले मैं रविवार को ना बिल्कुल आराम से रविवार को बढ़िया से टैक्स चेक करूंगा कि किसने किया किसने नहीं दिया, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस किसको अपॉइंट किया गया, रवि अग्रवाल को, कि रविवार को बैठे टैक्स को चेक करेंगे, डायरेक्ट टैक्स किसने दिया किसने नहीं दिया, राइट। सो रवि अग्रवाल। नेक्स्ट इज टू हैड SBI नेक्स्ट चेयरमैन। तो SBI के नेक्स्ट चेयरमैन कौन अपॉइंट होने वाले हैं, अगस्त में इनका अपॉइंटमेंट होगा, CH शेट्टी। तो चेयरमैन की बात हो रही है, चेयरमैन यानी कि वो बैठा रहेगा यानी कि शिट, तो शिट से थोड़ा सा याद रखना है आपको, शेट्टी, राइट। तो CS शेट्टी। प्रिंसिपल स्पोक पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट किया गया, धीरेन्द्र के ओझा, स्पोक पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट का। कैसे याद रखेंगे, दो तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। स्पोक पर्सन, जो भी स्पोक पर्सन होगा ना, तो वो भाई आराम से बोलेगा, तभी तो उसको स्पोक पर्सन बनाया गया कि आराम से बोलो, अपनी बात क्लियरली रखो सबके सामने, धीरे धीरे बोलेगा, धीरे धीरे, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आप कहीं पर आप स्पीच दे रहे हो, है ना, और आपके टीचर कह रहे चलो अब आपका नंबर है, अब तुम्हारा नंबर है, स्टेज पे आओ, तो आप दूसरे को क्या कह रहे, ओ जा तू जा ना यार, ओ जा तू जा, ओ जा तू जा, ऐसे करते ना, ओ जा यार तू जा मैं नहीं जा रहा, ओ जा। तो बस ऐसे याद रखना है, ओ जा, ऐसे भी याद कर सकते हो, या आप इसको ऐसे इजली याद कर सकते हैं, स्पोक पर्सन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको भी बनाया जाएगा वो धीरे धीरे बात करेगा सामने वाले को, उसके बाद समझ में आए, है ना, फास्ट फास्ट नहीं बोलेगा, धीरे धीरे। सो धीरे धीरे धीरेन्द्र के ओझा, जैसे मैं बहुत कभी फास्ट बोलती हूँ। नेक्स्ट इज ब्रिटेन फर्स्ट वुमेन फाइनेंस चीफ। सो ब्रिटेन की फर्स्ट वुमेन फाइनेंस चीफ अपॉइंट किया गया है रशेल रिविस को, ओके। सो रशेल रिविस अपॉइंटेड एज ब्रिटेन फर्स्ट वुमेन फाइनेंस चीफ। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम। सो प्रिंसिपल एडवाइजर अपॉइंट किया गया है नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम किसको, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, ओके। और ये जो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है, ये किसकी डॉटर है, सो ये MS स्वामीनाथन की है, जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है इन इंडिया में, राइट। अगर हम देखें एलिमिनेशन प्रोग्राम की किससे रिलेटेड, टीबी से रिलेटेड, सो इंडिया में इसका टारगेट रखा गया है 2025 तक, पूरे वर्ल्ड में देखें सो 2030 तक, तो ये दोनों ही टारगेट आपको ध्यान रखना है, ओके। तो प्रिंसिपल एडवाइजर किसको अपॉइंट किया गया, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, क्योंकि ये एक डॉक्टर भी है, राइट। सो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम किसको प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया, सौम्या स्वामीनाथन को, राइट। सो आप देखिए ये थे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो आपके रिसेंटली हुए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, ओके। और अभी आपको पता है कि कैबिनेट मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं, तो उन्हें हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ मैं, यहाँ पर हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए मोदी 3.0, आपको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, तो अब हम देखने वाले हैं अदर जो पोर्टफोलियो किनको क्या मिला है। सो सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टर का देख लेते हैं, ओके, कि नरेंद्र मोदी जी के पास कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे रिवाइज करते हैं। तो आप देखिए हमने पढ़ा था कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इट मींस मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है इनके पास है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी देखेंगे, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी देखेंगे, एटॉमिक एनर्जी भी देखेंगे, राइट, और एंड जो भी अदर इंपॉर्टेंट पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इशू होंगे और जो अदर पोर्टफोलियो है जो किसी को नहीं दिए गए वो भी किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। सो नेक्स्ट अमित शाह के पास कौन सा इस बार मिनिस्ट्री मिली है, सो ये होम मिनिस्ट्री में है, ठीक है, होम मिनिस्टर है, पहले भी यही थे अभी भी यही है। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, पहले भी यही थी अभी भी यही है। देन डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है, पहले भी यही थे अभी भी यही है। सो राजा क्या करता है, डिफेंस करता है। सो नेक्स्ट इज जेपी नड्डा, और जेपी नड्डा है हमारे हेल्थ मिनिस्टर। तो जेपी नड्डा का पूरा नेम क्या है ना, जय प्रकाश। तो ये मिनिस्ट्री है इनके पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की, और क्या है इनके पास, केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी है इनके पास। तो हमने इसे कैसे याद रखा था कि जहां पर प्रकाश होगा तो फैमिली के लिए बहुत अच्छा होगा, तो फैमिली वेलफेयर की भी मिनिस्ट्री इनके पास है। और केमिकल एंड फर्टिलाइजर ना हर जगह नहीं आप इसको डेवलप कर सकते, हर जगह इसकी फैक्ट्री आप नहीं बना सकते, तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर की फैक्ट्री बनाने के लिए आपको एक अड्डा चाहिए, अड्डा से क्या, जेपी नड्डा, ऐसे हमने इसको याद रखा था, ठीक है। फिर आपके एस जयशंकर, ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, पहले भी यही थे अभी भी यही है। नेक्स्ट इज प्रहलाद जोशी, इनके पास है कंज्यूमर अफेयर के ये मिनिस्टर है, ओके, और फूड से रिलेटेड भी इनके पास मिनिस्ट्री है, राइट। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, तो रोड पे गाड़ी चलती है ना, गड़गड़ गडकरी। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, तो भैया एजुकेशन देना एक बहुत अच्छा धर्म का काम है, सो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, राइट। अश्वनी वैष्णव INB यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड रेलवे मिनिस्ट्री, तो अश्वनी वैष्णव, तो हमने इसे याद किया था ना कि विश्व वैष्णव, विश्व के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं या आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह है, सब किसके पास है, तो अश्वनी वैष्णव के पास है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, रेलवे की मिनिस्ट्री भी किसके पास है, अश्वनी वैष्णव के पास है। अन्नपूर्णा देवी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है ये, तो अन्नपूर्णा किसको बोलते हैं, वुमेन को ही बोलते हैं ना, अन्नपूर्णा वुमेन, सो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर कौन है, अन्नपूर्णा देवी है। पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर है, ठीक है, तो पीयूष गोयल कॉमर्स मिनिस्टर। एमएल खट्टर जो है यानी कि मनोहर लाल खट्टर, ये अर्बन डेवलपमेंट एंड पावर मिनिस्टर है इनके पास। नेक्स्ट ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इनके पास है टेलीकम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ओके। सो कैसे इनको याद किया था, सो देखिए
इंडिया की बात हो रही है, ये क्या करेंगे, इंडिया का कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ बढ़िया करेंगे। इसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास, राइट। सो इंडिया का कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्टर्न के साथ अच्छा करेंगे, तो इसके ये मिनिस्टर है, ऐसे हमने इसे याद रखा था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान पहले ये सीएम थे एमपी के, अब इनको कौन सी मिनिस्ट्री मिल गई, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की। तो शिवराज जहाँ पे भाई शिव जी का राज होगा वहाँ पे बहुत अच्छी नदियाँ बहेंगी, गंगा नदी बहेंगी, तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा और रूरल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जीतन राम मांझी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इट मीन्स मांझी यानी कि मांझा, ऐसे याद किया था हमने, मांझी यानी कि मांझा। मांझा क्या है, मांझा का बिजनेस हो सकता है माइक्रो लेवल पे भी, स्मॉल लेवल पे भी एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे भी। नेक्स्ट इज लल्लन सिंह, इनके पास है पंचायती राज एंड फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, तो किसको मिलेगा, फिशरीज एनिमल एंड हस्बेंड्री का डिपार्टमेंट जो लालन पालन कर सके अच्छे से, तो लालन पालन से क्या हो जाएगा आपका, लल्लन सिंह हो जाएंगे, ठीक है। इनका रियल नेम क्या है ये भी आपको बताना है। सर्बनंदा सोनवाल, इनको मिला है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, तो सर्बनंदा सर्बनंदा यानी कि आनंद, सर्बनंदा यानी कि आनंद, तो आनंद कहाँ पे आएगा, पोर्ट में आएगा, शिप में आएगा, वाटर में आएगा, सो सर्बनंदा सोनवाल। वीरेंद्र कुमार, इनके पास है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको, ठीक है। वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, किंजा रापू नायडू सिविल एविएशन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब जब ये मिनिस्ट्री बांटी जा रही थी तो कह रहे थे उनको दिया जाएगा ना, उनको ये डिपार्टमेंट दिया जाएगा सिविल का, जो भाई लेके ना उड़ जाए, लेके ना उड़ जाए, तो उन्होंने बोला नायडू मैं ना उड़ू, नायडू मैं ना उड़ू, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, मैं ना उड़ू मुझे दे दो, तो सिविल एविएशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्ट्री किसके पास गई, ठीक है, याद रखना है आपको, किंजा रापू नायडू। नेक्स्ट इज ज्वेल ओरम, और ये ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर है, तो ओरम तो हमने याद किया था ना, ट्राइबल अफेयर यानी कि सबरी, सबरी क्या बोल रहे जा रही थी, तो ओराम ओराम, सो ज्वेल ओरम ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर है। गिरिराज सिंह टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, तो राज यानी कि राज की बात हम किसी को कैसे बताते हैं, टेक्स करते हैं, है ना, टेक्स सबके सामने नहीं बोल सकते, टेक्स करते हैं। भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भूपेंद्र यानी कि भूप, धूप से भी आप याद कर सकते हैं, धूप क्या है, एक टाइप का क्लाइमेट का पार्ट है, ठीक है। और भूपेंद्र यानी कि इंद्र, इंद्र देवता क्या करते हैं, एनवायरमेंट को देखते हैं, क्लाइमेट को देखते हैं, ऐसे हमने याद किया था, सो भूपेंद्र यादव। गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट इनके पास, ठीक है, शेखावत यानी कि कहावत। अब जब भी टूरिस्ट आते हैं किसी कल्चर प्लेस को देखने, तो बस वहाँ के जो गाइड होते हैं वो पूरी कहावत सुनाना स्टार्ट कर देते हैं, शेखावत कहावत कल्चर एंड टूरिज्म। अब जो वीडियो मैंने स्पेशली इसके लिए बनाया था उसमें मैंने आपको और अच्छे से समझाया है और इजली, यहाँ पे तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ कैसे कैसे हमने याद किया था, ठीक है, वो अगर आप देख लोगे तो और अच्छे से बिल्कुल फिट हो जाएगा माइंड में। नेक्स्ट इज किरण रिजिजू, अब ये जो किरण रिजिजू है इनके पास पार्लियामेंट्री अफेयर एंड माइनॉरिटी अफेयर है, राइट। अब कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एक उसको होप दिख जाती है, एक किरण भी दिख जाती है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाता है। तो पार्लियामेंट्री अफेयर एंड माइनॉरिटी यानी कि माइनर किरण भी अगर दिख जाती है तो उसके अंदर एक बहुत होप जग जाती है। सो पार्लियामेंट्री अफेयर एंड माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू। मनसुख मंडाविया, ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर स्पोर्ट्स के मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया। तो मनसुख कब होगा, जब भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, राइट, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और स्पोर्ट्स में यूथ को और फैसिलिटीज दी जाएगी और उनको प्रमोट किया जाएगा, सो मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट इज हरदीप सिंह पुरी, अब हरदीप सिंह पुरी की बात हो रही है, सो अब पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर है ये। अब पेट्रोलियम आपको ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल जमीन के ऊपर ही आपको कहीं तैरता हुआ दिख जाएगा, ऐसा नहीं है, पेट्रोलियम आपको बहुत डीप मिलेगा, पेट्रोलियम डीप मिलेगा, डीप से आपका क्या हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट इज चिराग पासवान, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मिनिस्टर है, पासवान यानी कि पकवान, पकवान तो बस पकवान यानी कि फूड, सो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो जिससे भी जो मिनिस्ट्री मिली है वो हमने देख लिया है, रिवाइज भी कर लिया इसको फटाफट से। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको सारे अपॉइंटमेंट्स याद हो गए होंगे इजिली, राइट, एंड जो पुराना आपने पढ़ा है वो भी रिवाइज हो गया होगा। सो जितनी भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है वो हमने रिवाइज कर लिया है, एंड डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है, या थोड़ा सा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देगा या पूछेगा अच्छा प्रेजेंट में ये कौन है, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और याद हो गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।